लोटा भर पानी। सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता मानता था। उसका दावा था कि आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया है। सिकंदर अपनी अकड़ में रहता था। वह सालों साल कितने ही देशों को जीतता चला आया था, कभी किसी से हारा नहीं था। उसमें साहस भी था और विलक्षण बुद्धि भी। उसकी बुद्धि का लोहा सभी मानते थे। कब किस युद्ध में वह क्या नई तकनीक प्रयोग में लाएगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता था। हार से उसका कोई परिचय ही नहीं था, इसलिए तो उसे महान सिकंदर कहती है। नेपोलियन को भी अपनी जिंदगी में एक बार हारना पड़ा था। सिकंदर को छोड़ दुनिया में ऐसा कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ जिसे कभी न कभी हारना न पड़ा हो। सम्राट अशोक भी महान था, पर सिकंदर आखिर सिकंदर ही था। हाँ, तो वह भारत आया। भारत ठहरा संतों फकीरों का देश। जंगल से गुजरते हुए उसने एक फकीर को देखा। उसने सुना था कि यह फकीर कुछ सनकी है। सिकंदर की नजर में सभी उससे छोटे थे, फिर चाहे वह संत हो, फकीर हो, राजा हो या रंग। लेकिन हाँ, सैनिक उसके लिए कुछ विशेष आदरणीय थे। फकीर की कुटिया में जाने पर फकीर ने उसे ऊपर से नीचे तक सरसरी नजर से देखा। सिकंदर को गुस्सा आ गया। वह बोला, ऐसे क्या देख रहे हो, जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर मुस्करा कर बोला, जानता हूँ तुम एक सिपाही हो। मैं हूँ महान सिकंदर, सिकंदर ने कहा। फकीर ने शांत स्वर में कहा, ना समझ हो तुम, कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो? मैंने सारी दुनिया को जीता है, सिकंदर ने गुस्से में कहा। सिद्ध कर सकते हो? फकीर बोला, तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ? सिकंदर ने फकीर से पूछा। बैठ जाओ सिकंदर, जल्दी क्या है? फकीर ने उत्तर दिया। सिकंदर वहीं कुश के आसन पर बैठ गया। वह हैरान था, आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। फकीर की कुटिया में एक लाठी, एक लोटा और एक कुश का आसन था, बस और कुछ नहीं था। फकीर ने कहा, सिकंदर, कभी तुम अकेले किसी मरुस्थल में खो जाओ, रास्ता भटक जाओ और तुम्हें बड़ी जोर की प्यास लगे तो तुम क्या करोगे? मैं पानी की खोज करूंगा। मान लो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिला और ऐसे समय में मैं अपने इस लोटे में पानी लेकर वहां पहुंच जाऊं और तुम गिड़गिड़ाओ कि मैं मर रहा हूं, मुझे पानी दे दो, और मैं कहूं कि तुम मुझे पानी के बदले में क्या दोगे, तो तुम बताओ कि तब तुम ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकोगे? सिकंदर बोला, अगर सचमुच प्यास से मर रहा होऊंगा, तड़प रहा होऊंगा और पानी मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं होगी, तो मैं बेझिझक अपना आधा राज्य दे दूंगा। फकीर हंसकर बोला, आधे में मैं नहीं बेचता, तुमने मुझे समझा क्या है? मैं ऐसे सस्ते में बेच दूंगा? मैं इतना तो मूर्ख हूँ नहीं, इतना सुनहरा मौका क्या ऐसे ही गवा दूंगा? कुछ और आगे बढ़ो, महान सिकंदर हो तुम तो। अगर तुम आधे राज्य से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पूरा राज्य ही दे दूंगा, आखिर प्राण बचाने का प्रश्न है, सिकंदर ने कहा। सिकंदर की बात सुनकर वह फकीर बोला, तो बस हो गया फैसला, मेरे लोटे भर पानी जितनी कीमत है तुम्हारे राज्य की, तो मेरा लोटा तुम्हारे राज्य से कुछ छोटा नहीं है। तुम्हें अकड़ किस बात की है? तुम्हारा पूरा साम्राज्य एक लोटे भर पानी में बिक जाएगा। सिकंदर, वह सिकंदर जो महान सिकंदर कहलाता था, जिसके चरणों में सारी दुनिया झुकती थी, निरुत्तर हो गया। उसने फकीर के आगे अपना सिर झुका दिया।